अभी तो कैंसिल होने वाला है यूपी पुलिस यूपी पुलिस एग्जाम को वायरल कर दिया एक घंटा पहले सबसे बड़का दुविधा में फंस जाते हैं हम लोग सारा चीज पढ़ाओ करो उसके बाद से ना विद्यार्थी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग के हाथ में है सब कुछ आप लोग थोड़ा हम लोग की दुविधा समझिएगा हम लोग के हाथ में रहता ना तो जो लीक किया पहले उनको फांसी दे देते लोग पेपर कैंसिल हो ना हो वो सेकेंडरी चीज है पहले जो लीक किया है ना उनको हम लोग के हाथ में एक लिमिटेड चीजें होती है तो बड़ा हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं आप लोग का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि आप लोग हम लोग को अपने शिक्षक को आप नहीं बोलिएगा तो बोलिएगा किसको समस्या आप लोग के पास भी है कि आप जाइएगा कहाँ गार्जियन को सब समझ में नहीं आता है कि कम वैकेंसी उनको लगता है, था ना वैकेंसी आया था ना गार्जियन को लगता है एक हजार है तो बहुत है आप लोग की समस्या आप कहा जाइएगा बोलने और हम लोग की समस्या ये कि आप बोल बोल के आदमी थक गया है हर पेपर लीक हो जा रहा है बीपीएससी लीक हुआ बिहार पुलिस गया बिहार दरोगा में आ होते 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 गया यहां कि नहीं आ गया, गया यहाँ पे क्या कीजिएगा यहां पे आर ओ ए आरो का भी लीक हुआ ही था जांच बैठ ही रही थी यूपी पुलिस नाच दिया हा? बस एस बना दिया है जांच कर रही है वहाँ पे और यूपी पुलिस का तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे फैल गया था यूपी पुलिस ल, करोड़ों में साठ हजार वैकेंसी भी तो थी क्या एकदम एक चीज और भी देखिएगा बाबू आप इस चीज को भी गौर कीजिएगा आपके अगल बगल में भी ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो पेपर लीक करता है अगर उसको मिल गया ना तो उसको शिकायत नहीं रहती है ये एक बहुत बड़ी खराबी है कि अगर पेपर लीक हुआ उसको मिल गया तब तक कोई दिक्कत नहीं है और उसको नहीं मिला तो दिक्कत होने लगता है ये एक बहुत बड़ी खराबी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हम सब की ये डर नहीं है अगर पेपर लीक करने वाला होगा ना और उसको अगर कह देंगे कि सुने आप पेपर लीक करते हैं तो ईमानदारी का चोला ओढ़ लेगा वो उसको पता है कि ये आदमी हमको पकड़वा देगा लेकिन अगर पेपर उसके पास लीक है उसके पास समन है तो आप जैसे लोगों को खोजेगा क्योंकि उसको पता है कि दस लोगों को ऑफर करेंगे तो वही मना करेगा जिसके पास पैसा नहीं है उसको पता है कि शायद ही एक दो बच्चे ईमानदारी के बेसिस पे कह दे कि नहीं है अगर उनके पास पैसा है और गार्जियन देने को तैयार है क्योंकि इतना बड़ा पैसा अकेले कोई स्टूडेंट नहीं ला सकता है, गार्जियन ही देते हैं तो इसके लिए और सरकार को के ऊपर दबाव बनता है कि तुमने लीक करा दिया पुलिस और जो आयोग होती है जो एग्जाम लेने उनके ऊपर बनता है जो पेपर लीक कराए उनको भी कहा जाता है कि इनको भी सजा दो लेकिन जिसके लिए लीक किया गया पता नहीं ये कौन है ये भी एक बहुत गलत चीज है आप गौर कीजिएगा कि ऐसे विद्यार्थी आप